आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समाधि का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हमने जान लिया। समाधि मीन्स रिस्ट्रेंट फ्रॉम टेंडेंसीज ऑफ माइंड, यानी दिमाग के अंदर की सारी फितूर, सारी अफवाहें, सारी परेशानियों को जो मेडिटेशन द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है, दैट इज़ समाधि। अब इट इज़ सेट इन हाथ योग प्रदीपिका दैट द सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इज़ इन द वाटर इट सेल्फ इवन देन इट इज़ नॉट अपियर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एज इट हैज़ बिकम वन विथ वाटर, ओनली वाटर अपियर्स। In the same way, in the stage of samadhi, meditator, sadhak and the meditation have become one and identical with the aim. Hence, there is only presence of aim. अब जैसे देखिए प्रदीपिका ने it is said in हाथ योग में प्रदीपिका का ऐसा मानना है कि जिस तरह पानी के अंदर जब हम सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमको सॉल्ट अगर अलग करके निकालना हो तो हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो जो पानी होता है पानी के अंदर ही नमक का स्वाद आ जाता है। ठीक उसी तरह से समाधि वो फॉर्म है मेडिटेशन का, जब साधक जो है वो आत्मा के साथ या भगवान के ध्यान में पूरी तरह से घुल मिल जाए तो वो हो जाता है समाधि, वो स्टेज को हम कहते हैं समाधि। ठीक है, अब उसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि सॉल्ट और वाटर का जैसे नाता और रिश्ता होता है, उसी तरह से एक साधक का और भगवान की भक्ति का नाता रिश्ता होता है, जो कि अब पूरी तरह से घुल मिल जाता है और ओनली प्रेजेंस ऑफ फेम, खाली देह या आपका लक्ष्य क्या है उसी के ऊपर फोकस होता है। दस इन समाधि द माइंड कंट्रोल फ्रॉम इट्स टेंडेंसीज attains equality, that is there remains no existence of mind. In other words, in the stage of samadhi the mind becomes no mind. अब सीधे और साफ अक्षरों में बताया जाए तो एक तरह से ये एक ऐसा भाव होता है या एक ऐसा हाव भाव होता है जिसमें इंसान जो है वो पूरी तरह से गुम हो जाता है और उसका जो दिमाग है अब कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कह लीजिए कि इंसान के पास दिमाग का बचा ही नहीं, वो पूरी तरह से भूल गया है भगवान के प्रति। The mind gets absorbed. There is complete concentration in the stage of meditation. अब meditation का जो complete stage है वो इसी को ही माना जाता है कि इंसान अपने आप को भूल जाता है, अपने दिमाग को भूल जाता है और खाली वो एक ही चीज़ को, aim को याद रखता है। Even then the sadhak is conscious about his own natural stage. लेकिन इसके बावजूद जो करने वाला व्यक्ति है, साधक जो है, वो अभी भी अपनी नेचुरल स्टेज, अभी भी उसकी जो हाव भाव है वो उस पर ही रहता है। बट इन समाधि देयर इज़ ओनली द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, लेकिन समाधि वाली जो प्रतिक्रिया होती है उसमें इंसान अपनी स्टेज को भी भूल जाता है, खाली एग्जिस्टेंस होता है उसका, माइंड होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान और दिमाग सब खाली किस पर ही होता है, सिर्फ उसके पास दिमाग है इतना ही है, शरीर उसका कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उस पर उसका फोकस नहीं होता है। द कॉन्शियसनेस ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस इज रिमोट। अब इंसान के अंदर की जितनी भी हरकतें होती हैं, अच्छी बुरी, सुंदर दिखना या लोगों को आकर्षित करना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। द योगी एक्सपीरियंसेस हिमसेल्फ ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल विच इज़ प्योर एंड ट्रू फ्रॉम द आत्मन। अब जो योग करने वाला व्यक्ति यानी कि जो साधक होता है वो पूरी तरह से सब चीज़ों से खाली हो जाता है। सिर्फ ऐसा माना जाता है कि अब उसका शरीर किसी काम का नहीं है, सिर्फ उसके अंदर आत्मा है, सोल स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है वो आत्मा ही पूरी तरह से प्योर हो गई है, ट्रू है, यानी सच्ची आत्मा है, और सच्ची आत्मा जो है उसको हम आत्मन के फॉर्म में जानेंगे। एट लास्ट द फीलिंग ऑफ नॉन ड्यूअलिटी ऑफ द आत्मा इन परमात्मा मैनिफेस्ट एंड द योगी गेट्स कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन इट, दैट इज़ ही अटेन्स लिबरेशन एमिनिसिपेशन ऑफ मोक्ष। और यही जो आत्मा इंसान की होती है जब ये भूल जाती है और परमात्मा के साथ में मिल जाती है कम्प्लीटली, तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और यही जो एब्जॉर्ब होने की जो प्रतिक्रिया है तो ही अटेन्स लिबरेशन, तब उसे हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है, इमिनेसेशन, देखिए इमेनिसिपेशन और मोक्ष, और उसकी आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिल जाता है, यानी सारी परेशानियाँ पूरी खत्म हो जाती हैं। इन समाधि द एम द मेडिटेटर एंड द मेडिटेशन बिकम्स इन समाधि द एम द मेडिटेटर एंड द मेडिटेशन बिकम वन, दैट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ब्रह्मा बिकम्स पॉसिबल। इस समाधि जो प्रोसेस होता है इसमें मेडिटेटर और मेडिटेशन दोनों एक साथ मिल जाते हैं और एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है ब्रह्मा की तरफ, भगवान के प्रति हो जाता है पॉसिबल। ही बिकम्स फ्री लिबरेटेड, वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ प्लेस एंड टाइम, यानी कि जगह या समय से जो बंधा होता है इंसान वो
फ्री हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड समाधि। और यही प्रतिक्रिया को ही हम कहते हैं समाधि, इन विच द एम एलोन इज अवेकन। उसमें कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एम बाकी रह जाता है, एम यानी ध्येय। इन श्री स्कंदपूर्णा, अब इन श्री स्कंदपूर्णा में देखिए, दीन द्वाश के नवे समाधि रे वर्णत्य, द माइंड बिकम स्टेडी फॉर 12 डेज, इट इज़ कॉल्ड समाधि। अब इसको, ये मेडिटेशन का जो लेवल होता है, इस मेडिटेशन के लेवल से ऐसा माना जाता है कि आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खाली हो गया और बैलेंस हो जाता है, और आने वाले 12 दिनों तक वो बिल्कुल साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं समाधि।